આપણે વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લે જોયું, હવે છેલ્લા ભાગમાં જે જોયું હવેથી આપણે શરૂ કરીએ 1.3 દ્રવ્યના ગુણધર્મો અને તેમનું માપન। द्रव्यना जे गुणधर्मों छे तेमनुं मापन, तो द्रव्यना गुणधर्मों अने तेमनुं मापन। तो द्रव्य आपणे वात करी, द्रव्य कोने कहेवाय? द्रव्य तो द्रव्य के जे कद धरावे अने जग्या रोके तेने आपणे शुं कहीशुं? द्रव्य। एटले के पृथ्वी परनी तमाम वस्तुओं जेने आपणे कहीशुं द्रव्य। तो पृथ्वी परनी तमाम वस्तुओं द्रव्य तेना गुणधर्मों जोवाना छे अने तेमनुं मापन, एटले के तेने आपणे कई रीते मापी शकीए। पृथ्वी परनी तमाम वस्तुओनुं तेना गुणधर्मों शुं छे अने तेने आपणे मापी कई रीते शकीए। तो हवे आपणे जोईए आगळ द्रव्यना गुणधर्मों अने तेमनुं मापन। तो आपणे जोईए 1.3.1 एमां शुं कहे छे के भौतिक अने रासायनिक गुणधर्मों। आपणे अहीं वात करी गुणधर्मोनी, तो आपणे नीचे शेनो अभ्यास करीशुं? भौतिक अने रासायनिक गुणधर्मोनी अने तेमनुं मापन। तो मापन जे छे ते आपणे आगळना पॉइंटमां शीखीशुं। अत्यारे मात्र शीखीशुं तो के तेना गुणधर्मनी, द्रव्यना गुणधर्मों। तो द्रव्यना गुणधर्मों बे प्रकारना होय, एक भौतिक गुणधर्मों बे प्रकारना हो। मापन विषे आपणे मित्रों पछी वात करवानी छे, मापन। अत्यारे मात्र करीए गुणधर्मों विषे। एक तो भौतिक गुणधर्मों अने एक रासायनिक गुणधर्मों। तो आपणे अत्यारे कोईपण द्रव्यना भौतिक गुणधर्मों अने रासायनिक गुणधर्मों विषे अभ्यास करवानो छे। तो आपणे हवे शुरू करिए पॉइंट नंबर 1 थी। दरेक पदार्थ ने विशिष्ट अथवा तो लाक्षणिक गुणधर्मों होय छे। विशिष्ट अने लाक्षणिक दरेक पदार्थ, पृथ्वी परनो तमाम पदार्थ, पृथ्वी परनी रहेली तमाम वस्तु तेने विशिष्ट कोई चोक्कस अने लाक्षणिक तेने अनुलक्षीने तेना शुं होय छे? गुणधर्मों। पृथ्वी परनी तमाम वस्तुओना गुणधर्मों जे छे समान होता नथी, तो तेने लक्षीने तेना विशिष्ट अने लाक्षणिक छे ते आपणे गुणधर्मों जोवा मळे छे। आ गुणधर्मों बे विभागमां वहेंची शकाय छे। जो आपणे वहेंच्या ते रीते मित्रों के आ जे गुणधर्मों छे तेने बे विभागमां, क्या बे विभागमां? भौतिक गुणधर्मों जेवा के जो भौतिक गुणधर्मों में शेनो शेनो अभ्यास करवानो छे? भौतिक गुणधर्मों में जेवा के रंग, कोईपण पदार्थनो रंग होय, बीजो आपेलू छे तेनी वास होय, त्यारबाद आपेलू छे तेनुं गलन बिंदु अने उत्कलन बिंदु, गलन बिंदु अने उत्कलन बिंदु। आ जे भौतिक गुणधर्मों छे, कोईपण पदार्थ, पृथ्वी परना तमाम पदार्थ तेनो रंग होय छे अथवा तो ना पण होय शके, वाष्प होय छे, वास ना पण होय शके, तेनुं गलनबिंदु होय छे, तेनुं उत्कलनबिंदु होय छे। आ बधा ज जे चारे गुणधर्मों अथवा आना करता पण वधारे गुणधर्मों जे भौतिक गुणधर्मोमां आवे छे। त्यारबाद क्या बीजा गुणधर्मों? तो के रासायणिक गुणधर्मों जेवा के संघटन, संघटन एटले के तेनी रचना, तो रचना, दहनशीलता, एसिडिक अने बेजिक संरचना नी प्रतिक्रियात्मकता। तो रासायणिक गुणधर्मों में मित्रों केवा आवे? संघटन अथवा तो तेने शुं कहेवाय? रचना। रचना एटले शेनुं बनेलुं छे? रचना। दहनशीलता, दहनशीलता दहन एटले के सळगाववू, ई पदार्थने आपणे सळगावीने चेक करवानुं, दहनशीलता। एसिडिक अने बेजिकता, एसिडिक अने बेजिक। जो मित्रों खास भौतिक गुणधर्ममां रंग, वास, गलनबिंदु अने उत्कलनबिंदु, रासायणिक गुणधर्मोमां संघटन अथवा तो तेनी रचनाओ, दहनशीलताओ, एसिडिक अथवा तो बेजिक साथेनी प्रतिक्रियात्मकता वगैरे आना करता पण वधारे होय शके। तो एसिडिक अने बेजिक तो फरीवार आमाय चार गुणधर्मो आपेला छे, आमां पण चार गुणधर्मो आपेला छे, पण आना करता पण वधारे गुणधर्मो होय शके छे। तो आपणे वात करी कोनी, तो के आपणे सौप्रथम शुं करवानुं छे, द्रव्यना गुणधर्मो अने तेनुं मापन शीखवानुं छे। तो आपणे बे बाबत शीखवानी छे, द्रव्योनी गुणधर्मो अने मापन। तो एमां पण आपणे सौप्रथम शुं कर्युं अभ्यासमां, द्रव्यना गुणधर्मो, गुणधर्मोमांथी नीचे आपणे शुरू करीए पॉइंट मापन पछी शीखवानुं छे। तो भौतिक अने रासायनिक गुणधर्मो, द्रव्यना गुणधर्मोना बे प्रकार, भौतिक गुणधर्म अने रासायनिक गुणधर्मो। तो भौतिक गुणधर्मोमां रंग, वास, गलनबिंदु, उत्कलनबिंदु। रासायनिक गुणधर्मोमां तेनी रचना, दहनशीलता, एसिडिक साथेनी प्रक्रिया, बेजिक साथेनी प्रतिक्रियात्मकता। तो आ जे छे तेना रासायनिक गुणधर्मो। तो हवे आपणे शरू करीशुं फरी एकवार डिटेलमां भौतिक गुणधर्मो विषे। तो पॉइंट नंबर 2, भौतिक गुणधर्मो एवा गुणधर्मो छे जे पदार्थनुं संघटन बदलाव्या वगर अथवा तेनी ओळख बदल्या वगर मापी शकीए छे। खास याद राखो मित्रों, भौतिक गुणधर्मो केवा होय छे? ए गुणधर्मो एवा पदार्थोनुं संघटन एटले के एनी रचना बदल्या वगर। जो खास भौतिक गुणधर्मो विषे आपणे माहिती लखीए के तेनी रचना अथवा तेनुं संघटन बदलवानुं नथी। तो तेनी रचना बदलवी पड़ती नथी। जारे पण कोई पण पदार्थना आपणे भौतिक गुणधर्मोनो अभ्यास करीए, भौतिक गुणधर्मोनो, तो एवा गुणधर्मोमां पदार्थनुं शुं नथी बदलवू पड़तुं? संघटन एटले के रचना बदलवा वगर अथवा तो तेनी ओळख बदल्या वगर। आपणे तेनी ओळख पण बदलवानी नथी, एना वगर आपणे अवलोकन करी शकीए छीए। तो आमां तेनी रचना अथवा तेनी ओळख बदलवानी रहेती नथी ज्यारे आपणे तेनो भौतिक गुणधर्मोनो अभ्यास करीए त्यारे। चलो हवे मित्रों आगळ पॉइंट नंबर 3 के जेमां आपणे शाना विषे कीधेलुं छे? रासायनिक गुणधर्मो विषे। तो रासायनिक गुणधर्मोना मापन के अवलोकन करवा माटे रासायनिक फेरफार थवो जरूरी छे। जो मित्रों आमां शुं थवुं जरूरी छे? रासायनिक फेरफार। जो आपणे कोईपण द्रव्यना रासायनिक गुणधर्मोनुं मापन करवुं होय अथवा तो तेनो अभ्यास करवो होय अथवा तो तेनुं अवलोकन करवुं होय तो खास शुं करवानुं छे? तो के आपणे रासायनिक गुणधर्मोमां फेरफार करवो जरूरी छे। तो आया बदलवू पड़तू नथी, तेनी रचना बदलवी पड़ती नथी, पण अही शुं करवू पड़े छे? रासायनिक फेरफार करवो पड़े छे। तो के रासायनिक फेरफार करवो पड़े छे। खास मित्रों जो के आमा भौतिक रचना अथवा तो एनी रचना बदलवी पड़ती नथी, पण आमां रासायनिक फेरफार करवो पड़े जेथी करीने आपणे तेना रासायनिक गुणधर्मोनो अभ्यास करी शकीए। आगळ भौतिक गुणधर्मना मापन माटे रासायनिक फेरफार करवो जरूरी नथी। हवे जो भौतिक गुणधर्मने आपणे विषे माहिती आपवी होय तो एमां कांई रासायनिक फेरफार करवानी जरूर नथी, पण रासायनिक गुणधर्म विषे अभ्यास करवानो होय तो तेना रासायनिक फेरफार करवा पड़े छे। तमने मित्रों बधाने समजाई गयुं हशे शुं? तो के भौतिकमां फेरफार करवो पड़तो नथी ज्यारे रासायनिक गुणधर्मना अभ्यास माटे रासायनिक फेरफार करवो पड़े छे। हवे आगळ आपणे जोईए मुद्दा नंबर 5। तो मुद्दा नंबर 5 मां आपणे रासायनिक गुणधर्मना उदाहरणों, जो रासायनिक गुणधर्मना उदाहरणों जुदा जुदा पदार्थोनी लाक्षणिकता प्रक्रियाओ छे। तो रासायनिक गुणधर्मना उदाहरणों जुदा जुदा पदार्थोनी लाक्षणिक प्रक्रियाओ छे। तो आमां घणी बधी आपणे लाक्षणिक प्रक्रिया करवी पड़े छे। लाक्षणिक प्रक्रिया आपणे तेनी साथे आ कोईपण पदार्थ होय तेनी साथे आपणे एनी लाक्षणिक प्रक्रिया एटले तेनी साथे आपणे प्रक्रिया करवी पड़े पदार्थ साथे, पछी ज आपणे तेना रासायनिक गुणधर्मो विषे कही शकीए। मारा हाथमां कोईक पदार्थ होय અને એના મારે રાસાયણિક ગુણધર્મો ચેક કરવા હોય તો મારે આ પદાર્થની સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવી પડે. તો આગળ શું કહે છે તો કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા જેવી કે કઈ કઈ કરવી જોઈએ તો એસિડિકતા અથવા તો તેની બેઝિકતા, દહનશીલતા વગેરેને સમાવેશ થાય છે. तो रासायनिक प्रक्रिया में कई कई प्रक्रिया करवी पड़े मित्रों तो के तेनी एसिडिकता चेक करवी पड़े छे, त्यारबाद तेनी बेजिकता चेक करवी पड़े छे, त्यारबाद तेनी दहनशीलता वगैरेनो समावेश थाय छे. जो एसिडिकता, बेजिकता अने दहनशीलता तो आपणे रासायणिक गुणधर्मो भणवो होय तो तेनी एसिडिकता, बेजिकता अने दहनशीलता विषे पण अभ्यास करवो पड़े. रासायणिक विज्ञानीओ शुं कहे छे पदार्थनी वर्तणूक, वर्णन, अर्थघटन, प्रकथन तेमना भौतिक अने रासायणिक गुणधर्मने ज्ञानना आधारे करे छे. तो हवे जो मित्रों खास कोईपण पदार्थ विषे आपणे माहिती आपवी होय, कोईपण पदार्थ के केवो होय तो कोईपण पदार्थ केवो होय एना विषे जाणवुं होय अगाऊ तो आपणे शुं करवुं पड़े तो के रासायण विज्ञानीओ એટલે કે જે વૈજ્ઞાનિકો છે તે શું કઈ રીતે તો કે પદાર્થની વર્તણૂક, આપણને શબ્દ ખબર છે વર્તણૂક એટલે શું, તેનો સ્વભાવ, વર્તણૂક, તેનું વર્ણન એટલે કે તેને આપણે વર્ણન કરવું હોય કે આ કેવું હશે તેનું વર્ણન, અર્થઘટન એટલે તેનો અર્થ કાઢવો કે આના આના કારણે શું થયું હશે, તેનું વર્તણૂક, તેનું વર્ણન, એનું અર્થઘટન, प्रकथन एटले अगाऊ केवुं, आपणे नथी कहेता संभावना करवी तो एने आपणे शुं कहीशुं प्रकथन. तेमना भौतिक अने रासायणिक गुणधर्म जे छे ते ज्ञानना आधारे करी शकीए छीए. तो जो फरीवार मित्रों खास वर्तणूक, वर्णन, अर्थघटन, प्रकथन जे कोना आधारे करी शकीए कोईपण पदार्थना तो आपणे तेना रासायणिक अने भौतिक गुणधर्मोनो अभ्यास कर्यो होय तो कोईपण द्रव्य विषे आपणे तेनी वर्णन करी शकीए, तेनी वर्तणूक जाणी शकीए, तेनुं अर्थघटन करी शकीए अने प्रकथन अगाऊ पण माहिती आपी शकीए के आवुं थवानुं हशे पण क्यारे ज्यारे आपणे तेना भौतिक अने रासायणिक गुणधर्मो विषे ज्ञान एटले के आपणे ज्ञान प्राप्त करेलुं हशे. तो आ गुणधर्म ने काळजीपूर्वक मापन अने प्रायोगिक रीते नक्की करी शकाय छे. तो आवा बधा जे गुणधर्मो छे भौतिक गुणधर्मो, रासायणिक गुणधर्मो तो एने आपणे जे छे प्रायोगिक रीते नक्की करवा होय बराबर छे तो आपणे तेने काळजीपूर्वक तेनुं मापन करवानुं रहेतुं होय छे. आगळ मित्रों आपणे जाईए तो शुं कहे छे करेलुं होय छे. નીચેના વિભાગમાં આપણને ભૌતિક ગુણધર્મોનું માપન વિશે શીખવાડ્યું છે. તો હવે આ મિત્રો વાત થઈ ગુણધર્મોની પૂરી અને અહીંથી શરૂ થાય છે તેનું માપન. તો હવે ખાસ ફરીવાર દ્રવ્યના ગુણધર્મો અને તેનું માપનમાં ગુણધર્મો તો ગુણધર્મો કેટલા હોય છે, બે પ્રકારના, ભૌતિક ગુણધર્મો, રાસાયણિક ગુણધર્મો. भौतिक गुणधर्मों में शो फेरफार नहीं करवो पड़तो तो के तेनी रचना ने अथवा तो संघटनता ने बदलवी पड़ती नहीं पण रासायणिक गुणधर्मों अभ्यास करवो होय तो तेमां रासायणिक फेरफारो करवा पड़े छे. भौतिक गुणधर्मों केवा गुणधर्मों होय छे, तेनो रंग, तेनी वास, तेनु गलन बिंदु, तेनु उत्कलन बिंदु. જ્યારે રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં શું હોય છે તો કે તેની રચના, સંગઠન અથવા દહનશીલતા, એસિડિકતા, બેઝિકતા વગેરે તેની લાક્ષણિકતાઓ હોય છે. તો આપણે કોઈ પણ પદાર્થનું શું કહે છે આગળ પ્રકથન કરવું, તેનું વર્ણન કરવું, અગાઉ એના વિશે માહિતી આપવી તો તેના ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો ચોક્કસ રીતે ભણવા જોઈએ. તો હવે મિત્રો આપણે આગળ ભણીશું તેનું मापन. तो भौतिक गुणधर्मोनु मापन, तो भौतिक गुणधर्मोनु मापन हवे शुरू करीए. आपणे रफ करी नाखीए, भूसी नाखीए. तो हवे तेनु मापन वैज्ञानिक संशोधनों माटे गुणधर्मोनु जथ्थात्मक मापन जरूरी होय छे. वैज्ञानिक संशोधनों माटे गुणधर्मोनु जथ्थात्मक गुणधर्मों जथ्थात्मक एटले शुं मित्रों, जथ्थो थोड़ूक नहीं एक साथे घणुं बधुं मापवानुं होय छे. कोईपण पदार्थ होय तेना आपणे गुणधर्मो जोईए अथवा तो तेनुं जे छे मापन करवुं होय तो आपणे जथ्थामां पण करी शकवा जोईए। तो वैज्ञानिक संशोधनों माटे गुणधर्मोनुं जथ्थामां एक साथे जथ्थामां मापन जरूरी होय छे। त्यारबाद द्रव्यना घणा गुणधर्मो जेवा के लंबाई, जो मापन में पण केवा आवे छे याद रखो खास मित्रों, लंबाई, अपने एक एक ने जोता जाइए। लंबाई क्या क्या मापन में छे अपने, लंबाई छे, तेनु क्षेत्रफल, तो तेनु क्षेत्रफल, त्यारबाद छे कद वगैरे स्वभावे जथ्थात्मक होय छे। तो आपणे छे छे तेनु लंबाई छे, क्षेत्रफल छे, कद छे वगैरे स्वभावे जथ्थात्मक होय छे। हवे मुद्दा नंबर 2, कोईपण जथ्थात्मक अवलोकन अथवा तो मापन ने तेनी संख्या तथा तेनु मापन करेल एकम साथे दर्शावामां आवे छे। तो शुं कहे छे मित्रों, आपणे कोईपणनुं मापन कर्युं होय तो ई मापननी संख्या तो लखवानी, आपणे आंकड़ो तो कोईपण मानी लो कि 6 आंकड़ो छे तो संख्या तो लखवानी, तेनुं मापन करेलो एकम पण साथे दर्शाववानो। एकम एटले शुं? आपणे कहीए लंबाई होय तो तेनो एकम शुं छे मीटर, तो 6 मीटर। तो आपणे कोईपण पदार्थनुं कोईपण जथ्थात्मक अवलोकन करीए तो मापनने तेनी संख्या एटले के कोईपण फिगर आंकड़ो, आंकड़ो तथा तेनुं मापन एटले के तेनो एकम, तो मापननो एकम मीटर छे, लंबाईनो एकम छे मीटर, तो आपणे दर्शावेलो छे तो मीटर साथे दर्शाववामां आवे छे। हवे आपणे जोईए उदाहरण तरीके आ ज ते, उदाहरण तरीके ओरडानी लंबाई 6 मीटर छे मित्रों। मानी लो कि आपणे जे भणावीए छीए ते क्लासरूमना ओरडानी लंबाई 6 मीटर छे, तो शुं कहे छे तो जे अहींया 6 छे ते शुं छे संख्या, जो मैं कीधुं अगाऊ कीधुं एम कि आ जे छे ते संख्या छे, अने एम जे छे ते मीटर छे जे मापन करेल लंबाईनो एकम छे। एटले एम जे छे ते शुं छे मीटर अने ते शुं छे लंबाईनो एकम, लंबाईनो एकम। तो आवी रीतना मित्रों आपणे मापननुं कही शकाय। जो फरी वार एकवार मापनमां कई रीते होय छे, तो आपणे कोईपण पदार्थनो जथ्थात्मक गुण मापवो होय तो तेने मापनमां कई रीते करी शकाय। तो कई क्या एकमो छे, लंबाई वडे, क्षेत्रफल वडे तेनुं कद मापी शकाय छे, अने कई रीते एनो एकम दर्शाववामां आवे छे, कई रीते एनुं मापन लखवामां आवे छे। तो सौ प्रथम ते मापेला जथ्थानी शुं लखवानी छे आपणे, संख्या, अने त्यारबाद आपणे शुं लखवानुं छे तो के ते मापननो जे होय तेनो एकम, तो एकम लखवानो छे। અહીં ઉદાહરણમાં પણ આપેલું છે કે ઓરડાની લંબાઈ કેટલી છે 6 મીટર, તો એમાં જે 6 છે તે સંખ્યા છે અને m એટલે કે તે ઓરડાની લંબાઈનો એકમ મીટરમાં છે। તો આવી રીતના 6 મીટર લખાય, ક્યારેય મિત્રો ખાલી 6 લખાય, ક્યારેય સંખ્યા લખાય નહીં। એની સાથે શું લખવું પડે, એની સાથે ફરજિયાત એનો એકમ મીટર લખવો पड़े तो ज आपने ख्याल आए कि 6 मीटर नी वात थयेली छे। आगळ अगाउना समय में दुनियाना जुदा जुदा भागों में मापननी जुदी जुदी पद्धतिओ वपराती हती। अगाउ दुनिया में जुदा जुदा भागों में जुदी जुदी पद्धतिओ वपराती हती। आपड़ा देश में कंईक मापवा माटे अलग एकम, बीजा देश में मापवा माटे अलग एकम, तो बधा देशों में जे आ मापवा माटेना जे एकमो छे ते जे छे जुदा जुदा हता। जो शुं कहे छे तो कहे छे अगाउना समय में दुनिया में जुदा जुदा भागों में बे जुदी जुदी पद्धतिओ वपराती हती। तो जुदा जुदा देशों में जे छे मापननी पण केवी पद्धति वपराय छे, जुदी जुदी पद्धति वपराती हती। तो आपने एम कही सके बे जुदी जुदी पद्धति वपराती हती, कई छे एक इंग्लिश पद्धति अने एक मेट्रिक पद्धति। तो एक इंग्लिश पद्धति अने बीजू नाम छे ते मेट्रिक पद्धति। खास याद रखो मित्रों, मापन में पद्धति जूना जमाना में मापन एक कई पद्धति द्वारा, इंग्लिश इंग्लिश अने एक मेट्रिक मेट्रिक पद्धति द्वारा करवामां आवतुं હતું. પહેલાના સમયમાં જુદા જુદા દેશોમાં જુદી જુદી પદ્ધતિ વડે માપન કરવામાં આવતું હતું અને એમાં બે પદ્ધતિ કઈ છે જુદી જુદી, તો કે એક ઇંગ્લિશ પદ્ધતિ અને એક મેટ્રિક પદ્ધતિ વડે થતું હતું. જેનો ઉદ્ભવ, આ પદ્ધતિઓ ક્યાંથી ઉદ્ભવી હતી તો કે તેનો ઉદ્ભવ ફ્રાન્સમાં 18મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં આવેલ 18મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં થયેલો તે પણ જે અનુકૂળ હતી. હવે જો આ જે છે તે ક્યારે શરૂ થઈ હતી તો કે આ જે છે 18મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં થયેલી ઘણી આ અનુકૂળ હતી. એટલે આ પદ્ધતિ છે અનુકૂળ પણ હતી કારણ કે તેનો આધાર દશાંશ પદ્ધતિ પર હતો. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો કે પહેલાના સમયમાં જ્યારે બે પદ્ધતિ ચાલતી હતી, ઇંગ્લિશ પદ્ધતિ અને મેટ્રિક પદ્ધતિ, તે ક્યાં ઉદ્ભવી હતી તો કે ફ્રાન્સમાં. કઈ સદીમાં તો કે 18મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં. અને તે કેવી હતી? અનુકૂળ પણ હતી. શા માટે અનુકૂળ હતી? કારણ કે તેને માપન પદ્ધતિને દશાંશ પદ્ધતિ વડે દર્શાવવામાં આવતી હતી. વૈજ્ઞાનિકોને સમજવાને, હવે જો વૈજ્ઞાનિકોને સમજવાને સમાન પદ્ધતિનો જરૂરિયાત જણાય છે. હવે જો બીજા બધા દેશોમાં અલગ અલગ પદ્ધતિ હોય તો તકલીફ થાય. એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં વ્યક્તિ જાય અથવા કોઈક વસ્તુ, કોઈક દ્રવ્યોનું આદાન પ્રદાન થાય તો કઈ રીતે માપ લખવું, તે દેશને આપણું માપ ન ખબર હોય અને આપણા દેશને એ દેશનું માપ ન ખબર હોય તો એકબીજા વચ્ચે એકબીજાનું માપ ખ્યાલ હોતો નથી. તો તેથી શું થાય છે? તકલીફ ઊભી થાય છે. એના કારણે આપણે શું કરવું જોઈએ તો બધા જ દેશોની માપન પદ્ધતિને એક કરવી પડે છે. તો શું કહે છે? આવી પદ્ધતિ 1960માં પ્રસ્થાપિત થઈ, બરાબર છે, જેની ચર્ચા આપણે નીચે કરેલી છે. તો હવે આપણે શું ખાસ મિત્રો યાદ રાખવાનું છે કે ફરીવાર એકવાર આપણે જોઈ લઈએ શેનું? માપન વિશે. પહેલાં આપણે શેના વિશે જોયું? ગુણધર્મ વિશે. હવે અત્યારે શેના વિશે જોઈએ છીએ? માપન વિશે. તો માપનમાં કઈ રીતનું હોય છે? ભૌતિક રાશિને, ભૌતિક પદાર્થને આપણે માપવા માટે, એના ગુણધર્મને માપવા માટે જથ્થાત્મકમાં તેની લંબાઈ, ક્ષેત્રફળ અને કદ વડે માપી શકીએ. બીજો મુદ્દો કયો હતો કે કોઈપણ માપનમાં તેમની સંખ્યા પ્રથમ લખવામાં આવે અને ત્યારબાદ તે રાશિનો એકમ માપન પદ્ધતિ હોય તો મીટર, હોય તો મીટર, ક્ષેત્રફળ હોય તો ક્ષેત્રફળ અને કદ હોય તો કદ. અને ઉદાહરણ દ્વારા ઓરડાની લંબાઈ 6 મીટર હોય તો 6 તે સંખ્યા છે અને મીટર છે તે લંબાઈનો એકમ છે. તો આવી રીતના લખવામાં આવે છે. અને માપન માટેની પહેલાંના સમયમાં કેટલી પદ્ધતિઓ હતી? બે. એક ઇંગ્લિશ પદ્ધતિ અને બીજી કઈ હતી? મેટ્રિક પદ્ધતિ હતી. અને તે ક્યારે તો કે 18મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં લેવાતી, અનુકૂળ આવતી હતી. અને આપણને શા માટે અનુકૂળ છે આ પદ્ધતિ હતી? કારણ કે તે દશાંશ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થતો હતો. પણ સમય જતાં આપણે જે છે તે એકબીજા દેશો વચ્ચે આ પદ્ધતિ જે છે એક બધાની એક સાથે થવી જોવે. એટલે જેથી કરીને 1960માં આ પદ્ધતિ જે છે આગળની નીચેની પદ્ધતિ છે તે અમલમાં લાવવામાં આવી. તો આપણે આ પદ્ધતિ, જેને આપણે SI એકમ પદ્ધતિ કહીશું, તે આપણે આગળના ભાગમાં તેનો અભ્યાસ કરીશું.